हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक है IPv4 एड्रेसिंग। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी प्रोटोकॉल। इसमें आईपी प्रोटोकॉल के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? ए कनेक्शन लेंथ, बी ऑफर रिलायबल सर्विस, सी ऑफर अनरिलायबल सर्विस, डी डज नॉट ऑफर एरर रिपोर्टिंग। तो पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑफर रिलायबल सर्विस। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेरिट डज फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट में कौन सा जो डिमेरिट होता है, नुकसान होता है, वो होता है? ए कॉम्प्लिकेट राउटर, बी ओपन टू डॉस अटैक, सी ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेगमेंट एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सारे जो डिमेरिट है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तीसरा है, विच ऑफ द, यहाँ पे दिया है विच फील्ड हेल्प टू चेक रीअरेंजमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट होता है उसको रीअरेंजमेंट चेक करने के लिए कौन हेल्प करता है? ऑफसेट, फ्लैग, टीटीएल, आइडेंटिफायर। तो इसमें जो मदद करता है हमारा वह होता है यहाँ पे तीसरा करता है, टीटीएल करता है, टाइम टू लाइव। ठीक है, वो गलत, सॉरी, ये होता है ऑफसेट होता है, वो करता है हमारे यहाँ पे, दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, फोर्थ है, इन क्लासलेस एड्रेसिंग, अगर क्लासलेस जो एड्रेसिंग होता है उसमें क्या होता है? देयर आर नो क्लासेस, क्या उसमें कोई क्लास नहीं होता है? बट एड्रेस आर स्टिल ग्रांटेड इन, मतलब लेकिन एड्रेस होता है, क्लास नहीं होता लेकिन एड्रेस होता है। ए आई पी, बी ब्लॉक, सी कोड, डी साइज। ये बताना है। तो चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ब्लॉक होता है उसमें। ठीक है, उसमें क्लास नहीं होता लेकिन ब्लॉक होता है। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा पांचवा नंबर, इन आईपी एड्रेस क्लास फुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस्ड। जो आईपी फोर एड्रेस होता है उसमें जो क्लास फुल एड्रेसिंग होता है वो रिप्लेस होता है किसके द्वारा? ए क्लासलेस एड्रेसिंग, बी क्लास फुल एड्रेसिंग, सी क्लास फुल एडवर्टाइजिंग, डी क्लासलेस एडवर्टाइजिंग। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ए क्लासलेस, यानी जो क्लास फुल होता है वो क्लासलेस क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। छठवां क्वेश्चन है, फर्स्ट एड्रेस इन ए ब्लॉक इज यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेस दैट रिप्रेजेंट द, मतलब जो पहला एड्रेस होता है ब्लॉक में वो यूज किया जाता है एज ए नेटवर्क ग्रुप में, नेटवर्क एड्रेस ग्रुप में जो प्रेजेंट करता है क्या? ए क्लास नेटवर्क, बी एंटिटी, सी ऑर्गेनाइजेशन एंड डी कोड्स। तो सिक्स का हो जाएगा हमारा सी ऑर्गेनाइजेशन। सातवां है, इन क्लासफुल एड्रेसिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेस आर, क्लासफुल जो एड्रेसिंग होता है उसमें बहुत बड़े पार्ट अवेलेबल होते हैं एड्रेस का। ए ऑर्गेनाइज्ड, बी ब्लॉक्ड, सी वेस्टेड एंड डी कम्युनिकेटेड। तो सातवें का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, यानी कि वेस्टेड। एक बहुत ज़्यादा जो क्लासफुल एड्रेस हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वेस्टेड एड्रेस यहाँ बनाए गए हैं। फिर हमारा है आठवां नंबर क्वेश्चन है, वो यह है, नेटवर्क एड्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, या किसका कॉन्सेप्ट है? ए राउटिंग का, बी मास्क, सी आईपी एड्रेसिंग, डी क्लासलेस एड्रेसिंग। तो ये बताना है कौन सा होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आईपी एड्रेस का ही कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस। नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, इसमें कौन सा है जो आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है? ए क्लास ई, बी क्लास सी, सी क्लास डी, डी क्लास एफ। तो देखिए ए बी सी डी तक होता है लेकिन एफ नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा।